का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी। हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद आईटीवी नेटवर्क की मुहिम। लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आखिरीबूंद.com और अपने विचारों को साझा करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्र में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना, और आज मैं आपको बताऊंगी कि राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका दिन। और हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य पी खुराना जी, जो कि अंक ज्योतिष के हिसाब से बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं कि देखते हैं क्या पॉजिटिव होने वाला है आज के दिन। कोई भी पारिवारिक व्यवस्था संबंधित निर्णय भावनाओं में बहकर ना लें। दूसरों की जरूरत का ध्यान रखते समय बजट का भी ध्यान रख लें। क्या परेशानी आ सकती है आज के दिन? किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक मामले में कुछ मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। आपकी मध्यस्थता उनके लिए अनुकूल साबित होगी। भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक है 3। आपने क्या करना है? आपने आज के दिन शिव महिमा स्त्रोत का पाठ करना है। बात करते हैं वृष राशि की और देखते हैं कि कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। सुकून भरा दिन रहेगा आपके लिए। ज्यादातर काम योजना बनाकर पूरे होते जाएंगे आपके। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य रुका हुआ है तो आज उसके हल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्या परेशानी हो सकती है? लापरवाही की वजह से आपके बनते कार्यों में रुकावट भी आ सकती है आज के दिन। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें। भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 9। आज आपने क्या उपाय करना है? जल में चंदन डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। बात करते हैं मिथुन राशि की और देखते हैं उनके लिए दिन कैसा होने वाला है। संतान के करियर संबंधित समस्याओं को महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता से सुलझाने में कामयाब रहेंगे। क्या परेशानी हो सकती है? किसी भी तरह की यात्रा या आवाजाही को आज आप स्थगित ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ज्यादा मेल मिलाप से भी परहेज करें। भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 5। आपने आज क्या करना है? मानसिक सुकून और स्थिरता बनाए रखने के लिए आपने आज योगा मेडिटेशन जरूर करना है। बात करते हैं कर्क राशि की और देखते हैं क्या पॉजिटिव है आज के दिन में इनके लिए। ग्रह स्थिति आज के लिए बहुत ही उचित है और भाग्य का निर्माण भी कर रही है। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि फायदेमंद रहेगी। क्या परेशानी आ सकती है? मन में नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स ना उठने दे, इसकी वजह से आपको नींद पर भी असर पड़ सकता है। भाग्यशाली रंग आज का है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 2। आपने क्या उपाय करना है? अनाथालय में जाके भोजन के लिए धनराशि भेंट करें या आप अनाज भी भेंट कर सकते हैं। करते हैं बात अब सिंह राशि की और देखते हैं उनके लिए क्या पॉजिटिव है आज के दिन में। खर्चों की अधिकता रहेगी परंतु आय के साधन भी बने रहेंगे, इसलिए तनाव नहीं रहेगा। क्या परेशानी आ सकती है? बिजनेस में कोई समस्या आ रही है तो अनुभवी व्यक्ति से आप मार्गदर्शन जरूर ले लें। इस समय आंतरिक सुधार या स्थान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 4। क्या करें? इष्ट देव को पीली मिठाई का आज के दिन आपने भोग लगाना है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए क्या अच्छा लेकर आ रहा है दिन? घर में किसी निकट संबंधी के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और समाधान भी निकलेगा। क्या परेशानी रह सकती है आज के दिन में? वार्तालाप करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि लापरवाही में आपकी कोई सीक्रेट बात उजागर ना हो। भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 3। आपने उपाय में करना है कि गाय को एक रोटी खिलानी है। बात करते हैं तुला राशि की और जानते हैं कि कैसा रहने वाला है उनका दिन, कितना पॉजिटिव और क्या परेशानी लेकर आएगा। पिछले समय से कुछ जिस काम को लेकर आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, उसमें मेहनत से उपलब्धियां हासिल कर लेंगे आज आप। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से भी आज आपको राहत मिलेगी। क्या परेशानी हो सकती है आज? कभी कभी विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, जिसकी वजह से विचलित और निराश जैसी स्थिति बन सकती है।
धैर्य और संयम बना कर रखें। निराश होने की जरूरत नहीं है। भाग्यशाली रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 2। आपने उपाय क्या करना है, आपने ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल आता है वो उसको धारण करिए, या फिर आप उसको अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की और देखते हैं कि इनके लिए क्या पॉजिटिव लेकर आ रहा है आज का दिन। किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे आज के दिन और आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। क्या परेशानी रह सकती है, जो भी आपका बिजी शेड्यूल है उसकी वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को आज के दिन बढ़ा सकता है। भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 5। आपने आज के दिन क्या करना है, रुद्राक्ष की माला शिव मंदिर में दान करके आइए। धनु राशि, बात करते हैं और देखते हैं कि क्या पॉजिटिव लेकर आ रहा है आज का दिन इनके लिए। दांपत्य जीवन में चल रही अव्यवस्था में सुधार आएगा। किसी मित्र से मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बना देगी। क्या परेशानी आ सकती है, दूसरों के मामले में आप हस्तक्षेप ना करें वरना अकारण ही लोगों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है आज के दिन। भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 7। आज आपने क्या करना है, जब भी घर से जरूरी काम के लिए निकले तो माथे पर लाल टीका जरूर लगाएं। बात करते हैं मकर राशि की और जानते हैं कि क्या पॉजिटिव लेकर आ रहा है दिन। पिछले कुछ समय से जो महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ था आज उसके हल होने की उचित संभावनाएं हैं। क्या प्रॉब्लम है हो सकती है आज के दिन, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही फिजूल खर्ची में भी कटौती करने की जरूरत है। भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 6। आपने आज के दिन क्या करना है, आज के दिन सफेद कपड़े पहनने हैं आपने। बात करते हैं कुंभ राशि की और जानते हैं कैसा रहेगा इनका दिन। दिन के शुरुआत में ही फोन अथवा मीडिया के माध्यम से कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है जिससे आपका मन बड़ा ही प्रफुल्लित रहेगा। क्या परेशानी हो सकती है, पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ तालमेल का अभाव रहने से घर की सुख शांति पर असर पड़ सकता है। भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 3। आपने क्या उपाय करना है, पानी में नमक मिलाकर स्नान करिएगा। बात करते हैं मीन राशि की। सही समय पर सही फैसला लेना फायदेमंद रहेगा। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ था उसे पूरा करने का समय आ गया है। आज का दिन बहुत ही अनुकूल है, आप उस काम को आज कर सकते हैं। क्या परेशानी रह सकती है आज के दिन, अपनी आदतों व दिनचर्या को एकदम सुव्यवस्थित रखें। लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य खराब होने से आप खुद जिम्मेदार रहेंगे उसके लिए, इसलिए अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 8। क्या करना है आज के दिन, आपने अपने लेफ्ट रिस्ट पर अपना आज का लकी नंबर यानी कि 8, आज आपका लकी नंबर है 8, उसे ब्लू पेन से अपने लेफ्ट रिस्ट पर यहाँ लिखना है। आइए हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब चलते हैं हम आचार्य पी खुराना जी के पास, जो अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका दिन। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन और सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना, आपके विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मुलाक यानी डेट ऑफ बर्थ इसका खास एक अंक है, उसका खास एक ग्रह है, उस ग्रह का खास रंग है, उसकी खास दिशा है और दिशा का एक खास मंत्र है जो बनाता है आपको प्रभावशाली, शक्तिशाली, विद्वान, धैर्यवान और भाग्यवान। उसी आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका आज का दिन कैसा रहेगा, लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, एक सावधानी आज की क्या करें, आज एक खास उपाय क्या करें जो बनाएगा आपको मुकद्दर का सिकंदर एवं आपको उलझनों से राहत प्राप्त होगी। इसके साथ आपके ईमेल का जवाब भी देंगे और ज्ञान सूत्र बताएंगे शंख किस एलिमेंट का ये प्रतीक है, कौन सा तत्व है और इसका महत्व क्या है, और प्रोग्राम के आखिर बताएंगे कि आज का मैजिक नंबर और मैजिक मंत्र क्या है जो आपके हर संकट का समाधान करेगा
मनोकामना पूर्ण करेगा। बात करते मूलांक एक की। मूलांक एक यानी जिनका जन्म किसी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को हुआ है, तो आप सूर्य ग्रह से प्रभावित है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यात्रा के समय आपने अपना मोबाइल फोन, अपना बैग, अपने दस्तावेज साथ रखने नहीं भूलने। कर्क क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, आपका हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। लकी कलर इज ग्रे, लकी नंबर इज 5। आज का उपाय, गाय को मीठी रोटी खिलाइए। सावधानी क्या है, किसी के बेकाबे में नहीं आना। ये मन नीचा मूल है। मूलांक 2 जिनका जन्म किसी महीने की 2/11/20 या 29 को हुआ है, वो चंद्र ग्रह से प्रभावित है। चंद्र मन सो जात, हम कई बार कहते हैं चंद्र का जो प्रभाव है, कभी तोला और कभी मासा। कभी आप बड़े प्रयत्नशील होते हैं, कभी लापरवाही होते हैं। तो पढ़ाई में लापरवाही बढ़ सकते हैं, आज उसको अवॉइड कीजिए। प्रभावशाली लोगों से, किसी एक्टर से, किसी सेलिब्रिटी से, किसी महापुरुष से, किसी गुरु की व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। लकी कलर क्रीम एंड लकी नंबर 7। आज का उपाय क्या कहता है, भवन निर्माण संबंधी सम्मान आप धर्म स्थान पर दीजिएगा। सावधानी क्या है, आपने ऊंचा नहीं बोलना किसी को। मुलाक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 3/12/21 या 30 को हुआ, तो पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश कीजिए। पितृदेव भव, मातृदेव भव, उनके चरणों में आज उनका आशीर्वाद लीजिएगा। मेरा प्रणाम देखते देखते माता टेक दीजिए, अगर माता आपके पास बैठी है तो। कमाल देखिए कितना दिन अच्छा होता है। नौकरी में बदलाव आपका लाभ देगा। लकी कलर पिंक एंड लकी नंबर 12। आज का उपाय कहता 3 लड्डू लीजिए, 1 धर्म स्थान पर, दूसरा ब्राह्मण को और तीसरा स्वयं ग्रहण कर ले, गणेश जी की कृपा होगी। सावधानी क्या है, किसी व्यक्ति की जमानत नहीं देनी, किसी की गवाही नहीं देनी। मूलांक 4 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 4/13/22 या 31 को हुआ है, आप राहु ग्रह से प्रभावित हैं। आज के दिन आपका वाद विवाद किसी से हो सकता है, आप क्रोध कर सकते हैं पिता के साथ, बॉस के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, उरों को शीतल करे आपो शीतल होए। इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट समय बहुत ही अनुकूल है। लकी कलर्स ब्लू एंड लकी नंबर 18। आज का उपाय क्या कहता है, नीम के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। सावधानी क्या है, आज आप अग्नि एवं पानी दोनों तत्वों से सतर्क रहना है। मूलांक 5 जिनका जन्म किसी महीने की 5/14 या 23 को पैदा हुए हैं, तो आप मूलांक 5 यानी बुध ग्रह से प्रभावित हैं। आपकी सोच, आपकी समझ बाकी लोगों से आज जुदा होगी। तो सोचे समझे कार्यों में आज आप पूर्णतया लाभकारक होगा सबका दिन। अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8। आज का उपाय क्या कहता है, सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाएं। साधन क्या है, बिना किसी कारण के आपका मन विचलित हो सकता है। बात करते ईमेल की। प्रश्न करता है मिस्टर विजय कुमार दिल्ली से, 8 जुलाई 1990। ये डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहते हैं, मुझे उसके सूटेबल समय क्या रहेगा। सुनिए, 8 जुलाई, 8 अंक आपका शनि का है, जुलाई राशि आपकी कर्क है, उसका अंक 2 है, डेस्टिनी नंबर आपका 34 है, जो अंक 7 है, यानी कि 2, 7 और 8। ये आपका जो कॉम्बिनेशन कहता है कि कोई भी काम
जिसका डिपार्टमेंट स्टोर में एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो मेन अंक है जो बताता है हर प्रकार का तेल, सुगंधित चीजें रखी, मालिश का तिल का तेल, सरसों का तेल, आंवले का तेल, इसके साथ जो आपका समय है वो आपको सूट करेगा। आपके जन्मदिन के बाद आप अपना काम शुरू कर दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना वहां पर अपने बैठ के आपके जो जिस दिन आप शुरू करेंगे काम को, अपने सके संबंधियों मित्रों को शुरू बुलाना है, उनको शगुन देना है, उनको पसंद करना है, और एक रूबी डाल लीजिएगा जिसका वेट कम से कम 5.25 रहती, रिंग फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करने उपरांत। विजय जी बेस्ट ऑफ लक। विजय की तरह आपके भी मन की जिज्ञासा, आपका भी मन का कोई अभिलाषा, जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश के ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, हम आपका इंतजार करेंगे। बात करते हैं अच्छे की। जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है, आप शुक्र ग्रह से प्रभावित है, नौकरी में लापरवाही मत बरती है, विदेश से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। लकी कलर मैरून एंड लकी नंबर 5 आज का उपाय, घर से निकलने से पहले शहद का एक चम्मच सेवन कीजिएगा। सावधानी क्या है, किसी व्यक्ति से गलत व्यवहार बिल्कुल मत कीजिएगा। मुलाक साथ की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो केतु ग्रह से अप्रभावित है। आज के डेट में केतु एक यात्रा के दौर पे है, गतिशील ग्रह है, ट्रांसफर परिवर्तन के योग बनते हैं। आज का दिन खुशियों की सौगात लेके आएगा। लकी कलर व्हाइट एंड लकी नंबर 2 आज का उपाय कहता है, तुलसी का पत्ता अपने पास रखें। सावधानी क्या है, बिन बुलाए किसी के मेहमान मत बनिएगा। मुलाक 8 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ तो परीक्षा, प्रतियोगिता, ऑडिशन, कंपटीशन सबके लिए शनि की कृपा रहेगी, सफलता प्राप्त होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। लकी कलर्स ऑरेंज, लकी नंबर 9 आज का उपाय क्या कहता है, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन खिलाएं। सावधानी क्या है, किसी व्यक्ति को झूठा दिलासा नहीं देना। मुलाक 9 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 अगर 27 को हुआ है तो आप 9 अंक यानी मंगल ग्रह से प्रभावित है, नया वाहन खरीदने का योग बनता है, आय के नए सूत्र बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अचानक धन आ सकता है। लकी कलर येलो, लकी नंबर 3 आज का उपाय क्या कहता है, अपने इष्ट देव का सिमरन करें। सावधानी, कोई भी निर्णय जल्दबाजी मत लीजिएगा। ये था आपका भविष्यफल आपके मूल्यांकन अनुसार। अब बात करते हैं ईमेल की, एक याद रखिए, मैजिक नंबर और मैजिक मंत्र क्या है। ईमेल जिन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा फरीदाबाद से, रजनी है, 11th March 1975। ये कहते हैं, मेरे परिवार में हर वक्त कलेश रहता है। अब देखिए, आपका मूलांक 2 है, 1 और 1, 2 जो चंद्र का कारक है, बट 11 कैन नॉट बी डिवाइडेड विद एनी नंबर, दिस इज हाईएस्ट नंबर जिसको डिवाइड नहीं हो सकता, 1 ऑफ द हाईएस्ट। तो बात क्या है कि आप अपनी जिद के पक्के हैं, हो सकता है कि आपके घर में क्लेश आपकी वजह से हो, आप अपनी कुछ बातें मनवाना चाहते हैं अपने पति से, अपनी संतान से, अपनी माता से, अपने पिता से। एक तो अपने मन में थोड़ा सा एक व्यवहार जो एक है, थोड़ा स्नेह लाइए, लोगों को प्यार कीजिए थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र आपने क्या करना है, जितने घर के व्यक्ति हैं उतने तांबे के सिक्के लेके उसको लाल कपड़े बांध के घर की साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए, लक्ष्मी की अनुकंपा होगी, वास्तु दोष दूर होगा और इसके साथ घर में क्लेश नहीं होगा। रजनी की तरह आपके मन में कोई प्रश्न है तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हम आपका इंतजार करेंगे। बात करते हैं ज्ञान सूत्र की। शंख का महत्व क्या है, शंख को अगर दक्षिण दिशा में रखें
तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। संध्या को शंख को बजाएं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि धनवी का प्रतीक है। मकान में विद्यमान वास्तु दोष दूर होते हैं। सावधानी क्या है, रोजाना शंख को गंगा जल से धोना आवश्यक है। शंख भगवान विष्णु के अति प्रिय है। भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह का कारक है, इसलिए जब भी घर में शंख की स्थापना करें बृहस्पतिवार के दिन करें, या तारीख 3/12/21 या 30। घर में शंख रखने से परिवार में भगवान विष्णु की अनुकंपा रहती है। मैजिक नंबर की बात करते हैं, लिखिए आज का मैजिक नंबर क्या है। 11155 99 सफेद कागज पर लाल पेन के साथ शोक दिशा में चेहरा करके लिखिए। उसके बाद मंत्र को 11 बार जाप करें, ओम शांति ब्रह्मा शांति नमो नमः। कागज अपने पास रखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन अगर आपकी संकट से जूझ रहे हैं, उस संकट का समाधान भी होगा। वाणी को विराम देता हूं, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नए विषय के साथ इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य पी खुराना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और नमस्कार। चलिए अब चलते हैं सुनैना जी के पास। हमारे खास